स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट जो आपको आपने अपनी फेल कॉपी में किया है उसी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड मैं आपको वीडियो से आपको उस चैप्टर को समझाता हूं, क्योंकि नोट्स आपके पास पहले से ही ऑलरेडी उसके हैं। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं नोट्स और जो वर्क है इस चैप्टर का वो जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और ओल्ड स्टूडेंट्स इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मैं वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आपको जो है उसका होमवर्क प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ आवर डेली यूज लाइक। कार्बन इज प्रेजेंट इन आवर डेली यूज लाइक, जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये इंक, ये कपड़े, ये प्लास्टिक का जो फ्रेम है, इसमें आपकी बुक्स, पेपर, पेंसिल, जो भी हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, कोई फ्रूट्स, इन सभी में, यहाँ तक कि हमारी स्किन, इन सभी में क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। कार्बन जो है आपका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसका जो वर्ड है कार्बो, इससे इसकी क्या होती है, इससे डेराइव हुआ है, जिसका मीन्स होता है इंग्लिश में कॉल। कॉल मीन्स कोयला, हिंदी में इसको बोलते हैं कोयला। जो कोयला होता है उसको इंग्लिश में कॉल बोलते हैं। उसी कॉल वर्ड से ही आपके कार्बन वर्ड की जो है ये डेराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज कार्बन। अब कार्बन जो है हमारे नेचर में आप सीरियली स्टेट में भी होता है और अपने एक कंपाउंड यानी किसी के साथ में कॉम्बिनेशन होके भी आता है। तो कार्बन दो तरीके से हमें फ्री स्टेट और प्लस अदर कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसलिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन भी है जो फ्री स्टेट में मिलता है और वो किसी कंपाउंड में, जो उसके कंपाउंड्स हैं कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज वेरी यूजफुल फॉर अस। कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब अभी देखा आपने कि क्या है जो हमारी जो रियल लाइफ है, जो हमारे आसपास जो चीज दिखाई दे रही है उसमें क्या है, ज्यादातर चीजों में कार्बन है। तो इसलिए कार्बन जो है हमारे लिए बहुत ही क्या है, यूजफुल है। इन नॉन लिविंग थिंग्स कार्बन इज फाउंड इन बोथ फ्री एंड द कंपाउंड स्टेट। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो हमारे पास ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, ठीक है, जैसे हमारे कपड़े, मार्कर, पेन, कॉपी, खाना में जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, इन सभी में डेस्क, कुर्सी, लकड़ी, मेज, ठीक है, प्लास्टिक के थिंग्स, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। तो इन इनमें आपके दो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है फ्री और एक होता है कंपाउंड स्टेट में, ठीक है। इन फ्री स्टेट कार्बन इज फाउंड इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मिलता है कार्बन, एक तो ग्रेफाइट में और एक होता है डायमंड। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल बोलते हैं इसको, उसके अंदर जो रोड होती है जिसको हम जिससे हम लिखते हैं, वही आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो उस ग्रेफाइट में उसमें प्योर क्या होता है, कार्बन होता है, यानी किसी अदर जो है उसमें कोई भी दूसरा आपका एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, यानी जो प्योर कार्बन का होता है। दूसरा है आपका डायमंड, ठीक है, जो रिंग या नेकलेस या आपका ज्वेलरी में यूज किया जाता है उस डायमंड का, वो भी आपका क्या है, कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, फ्रीली स्टेट में होता है। यानी ये दो ही आपके एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको कार्बन क्या आता है, फ्रीली स्टेट में मिलता है। बाकी में कार्बन क्या होता है, कंपाउंड की कार्बन जो है कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। जैसे मार्कर है तो मार्कर में जो है आपका कार्बन जो है ये किसी दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन होकर आया है। कार्बन इन फाउंड इन मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड में मिलता है कार्बन। कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कैल्शियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है जैसे चूना पत्थर होता है, जो है कोई फंक्शन होता है तो हम उसको जो डालते हैं, चूने को डालते हैं, उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। चौक होती है जो आपके चौक लिखने के लिए, बोर्ड पे लिखने के लिए काम आती है, उसके अंदर कार्बन होता है। तो ये जो है मार्बल्स, जो आपके मार्बल्स होते हैं, जो आप घरों में मार्बल्स का यूज करते हैं, उसके अंदर कार्बन होता है। तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी इनमें फ्री स्टेट में आपको कार्बन नहीं मिलता है, इनमें कार्बन आपको क्या मिलता है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ पे कॉम्बिनेशन होकर मिलता है। उसके बाद नेचर गैस, जो आपका नेचुरल सीएनजी होती है, एलपीजी होती है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, यानी जो आपका पैराफिन वैक्स होता है कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए, और कोल तार जो सड़क बनाने के लिए कोल तार का यूज किया जाता है, इन सभी में क्या होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको फ्री स्टेट में नहीं, किसी कंपाउंड के हेल्प की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमें किस तरह से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन की आगे के साथ में। तब तक के लिए